इस बार हमारा होटल इमार अल खैर गोल्डन होटल, ये देखिए आप, ये जी हमारा होटल इस बार ये वाला है। आपको अंदर से दिखाते हैं, चले अब हम आपको अपना ये होटल अंदर से दिखाते हैं भाई, इस बार कैसा होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई पहले गेट खोल लेते हैं। अरे ये तो ऑटोमेटिक खुल गया भाई। ये है जी देखो माशाल्लाह, ये होटल में रिसेप्शन काउंटर है, आप देखें ये रिसेप्शन काउंटर, ये हमारा होटल है। देखिए आप माशाल्लाह कितना शानदार होटल है, ये देखिए आप पूरा होटल बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। ये है हमारी लिफ्ट जो लगी हुई है, हम ऊपर जा रहे हैं अपने रूम में, आपको रूम दिखाएंगे चल के। लो जी ये है हमारा रूम, लो जी हमारा रूम है। ये इमाम साहब है बेचारे, और ये बच्ची सो रही है, नमाज ही पढ़ आई जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जोर की नमाज पढ़ के भी आए हैं। तो घर वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल उसके एहसान है कि हम बहुत अच्छे तरीके से सारे अरकान रात भी अदा किए हैं, नमाज जोर जमात के साथ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। और जो खबर फैल रही है कि कराना के कुछ हज्जी पकड़े गए, जो कराने की खबर फैली वो वहाँ एयरपोर्ट पे पता किया था, वो खबर सच्ची है। और जिसने भी किया है बहुत ही गलत काम किया है, इस तरह के कामों से इंतहाई गलत मैसेज लोगों में जाता है, सभी लोगों के अतमाद को ठेस पहुँचती है, सब एक ही उसमें दायरे में आ जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के लोगों से भी आदमी को होशियार रहना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, बहुत सारी तहकीक और तफ्तीश करने के बाद ही आदमी को कदम उठाने की ज़रूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि हमारे हज़रत क़ारी हमजे साहब दामत बरकात उनको अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, कि उन्होंने माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं, रिहाइश भी बहुत अच्छी है खाने के एतबार से भी, और हरम की दूरी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 5-7-10 मिनट का रास्ता है, तो आदमी बहुत आसानी के साथ में तय कर लेता है। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर। तो आप जिस ट्रेवल से आए हैं वो भी तो कराने के हैं, क्या नाम है उनका ट्रेवल का, क्या नाम है उनका? हमारे जो कर साहब के टूर का नाम है, ट्रेवल का नाम है, वो जमजम ट्रेवल है। और इससे मेरी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से हजरत ने हमारे लिए इंतजाम किए हैं, इंशाल्लाह दूसरे लोगों के लिए भी वही इंतजाम होंगे। अल्लाह इनके काम में मज़ीद तरक्की इनायत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन्हें मज़ीद मेहनतों की और दुनिया और आखिरत में इनके लिए नजात के इस काम को जरिया बनाए। आमीन आमीन। सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन व अहसन।